पढ़ने नहीं, सीखने चलो, आज नहीं कल बदलने चलो, चलो न्यू जनरेशन इंटरनेशनल एकेडमी चलो। आधुनिक शिक्षा तकनीकों से बच्चे बनेंगे स्मार्ट, न्यू जनरेशन इंटरनेशनल एकेडमी के साथ बदले अपने बच्चों का भविष्य। नए सत्र के लिए मुफ्त नामांकन जारी है। मिथिला वासियों ने आज फिर देखा दरभंगा में एम्स का खाब। राज्य सरकार के आश्वासन के बाद दिल्ली से दरभंगा आई टीम ने प्रस्तावित भूमि का किया निरीक्षण। इस दौरान उनके साथ निरीक्षण के क्रम में दरभंगा के सांसद, नगर विधायक, जाले विधायक व केवटी के विधायक के साथ साथ लगभग सभी जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इनके अलावा डीएमसीएच के अधीक्षक, नगर आयुक्त व जिला पदाधिकारी भी थे। हालांकि पूरे डीएमसीएच परिसर का निरीक्षण करने के बाद भी जब हमने दिल्ली से आए अधिकारियों से दरभंगा में एम्स बनने की संभावनाओं के बारे में पूछने पर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। नहीं, सर्जिकल तो एक बन रहा है ना यहाँ पे, नहीं ये ऑडिटोरियम नहीं, मेडिकल कॉलेज है पूरा सर। सर मेडिकल कॉलेज भी नया बनेगा? हाँ हाँ, सबका इसमें आ गया आपको पूरा, इसमें सबका प्लान बन गया है। मेडिकल कॉलेज और बिल्डिंग यहाँ सर, रेलवे लाइन क्या लगा आपको? पहले जो रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट में कुछ निगेटिविटी थी, अभी क्या लगा? जो रिपोर्ट पिछले वाली थी साक्षात, तो वही रिपोर्ट आज भी है। हम लोगों ने पहले भी इस बात को कहा था और राज्य सरकार ने कुछ आश्वासन दिए हैं। उसके अलावा जो आज की जो देखा गया उसके बाद और डिटेल में हमने उनको अब कुछ आंकड़े भी मांगे हैं, क्योंकि ये चैलेंज मेथड के तहत इसका इवेल्युएशन होता है साइट का। तो उस चैलेंज मेथड के जो भी पैरामीटर्स हैं उसके लिए जो हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो आंकड़े चाहिए, जो स्थिति चाहिए पूरे राज्य सरकार की, इस इलाके की और यह जैसे इस शहर के कैचमेंट की, इस शहर में क्या फैसिलिटीज़ है हेल्थ की आज की, वो सब उपलब्ध होगा। उसके बाद इसको सब टेंस के लिए क्या क्या चाहिए, जैसे आपने बताया अभी क्या क्या मुख्य रूप से क्या चाहिए? मुख्य रूप से एम्स के लिए एक तो पेशेंट की सुविधा को देखते हुए आपको अच्छी रोड कनेक्टिविटी चाहिए, यहाँ पर ट्रेन का ये भी होना चाहिए और अगर एयरपोर्ट है तो उससे भी फ़र्क पड़ता है, ये तो हो गया कनेक्टिविटी की बात। उसके अलावा ज़मीन कैसी है, ज़मीन में बन भी सकता है कि नहीं बन सकता है, दलदल वाली ज़मीन तो नहीं है, उसमें भराव की आवश्यकता है कि नहीं है, अनऑथराइज एनक्रोचमेंट तो नहीं है, ये सारा चीज़ देखना पड़ता है। अभी आपने देखा सर, क्या लगता है, क्या लगा आपको, क्या लगा, क्या उम्मीद, क्या करें भारत मिथिलांचल वासी, क्या करें जो कि मिथिलांचल की आस है एम्स? ये मैं इसको कहने के बारे में कुछ भी इस समय संभव मेरे लिए नहीं, क्योंकि ये मैं इस पर निर्णय नहीं ले सकता। लेकिन सब स्थितियाँ क्या है, स्थितियाँ क्या बन बनाया जा सकता है यहाँ पर, कुछ जैसे क्या लगा बन सकता है एम्स यहाँ पर? मैंने आपको बताया ना कि जब तक फाइनल निर्णय नहीं हो जाता तब तक बनेगा नहीं बनेगा उसके बारे में कुछ नहीं कहते। लेकिन बन बनाया जा सकता है बनाया जा सकता है, थ्योरी है सर, प्लीज़।